हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी चौक। किसी भी मूवी को बेटर बनाने के लिए कई सारे एस्पेक्ट्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है और उन्हीं में से एक है VFX। VFX के जरिए किसी भी फिल्म में बहुत सारे नए इफेक्ट्स और किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेहतर दिखाया जा सकता है। नो डाउट कि हॉलीवुड इन सभी क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बॉलीवुड में आज भी बहुत सारी फिल्मों में पुअर VFX देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे पास भी कई ऐसी मूवीज़ हैं जिनके VFX हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 इंडियन मूवीज़ के बारे में बताएंगे जिनके पास बेस्ट VFX थे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आई रिकमेंड यू कि इस वीडियो को पूरा देखें। नंबर 10, ईगा। सबसे पहले तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था। इंडिया में बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें किसी एनिमल को लीड रोल में लिया जाता है, और इस मूवी में तो एक मक्खी को लीड रोल में लिया गया था। इस फिल्म में एक फ्लाई की लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कई स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया था। इनफैक्ट इस मूवी में हमें जो फ्लाई देखने को मिला था वो भी VFX से बनाया गया था। मूवी में एक फ्लाई को ज़्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल दिखाने के लिए अल्ट्रा डिटेल इमेज दिखाए गए थे, और इस मूवी के VFX इतने अच्छे थे कि मूवी में एक सेकेंड के लिए भी मक्खी अनअट्रैक्टिव या कार्टूनिस्ट नहीं दिखता है। नंबर 9, तुम्बाड़। आई नो कि इस फिल्म के VFX ज़्यादा ग्रैंड नहीं थे, लेकिन अगर हम इसके VFX को मूवी के बजट से कंपेयर करें तो हम जान पाएंगे कि तुम्बाड़ को क्यों बॉलीवुड की अंडररेटेड मूवीज़ में गिना जाता है। लेट यू नो कि इस मूवी का बजट सिर्फ 5 करोड़ रुपए था, लेकिन इसका लेवल किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। विजुअल इफेक्ट्स के कारण ये फिल्म और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और डीप लगती है। इस मूवी के CGI क्रिएचर्स, एनिमेशंस, मैट पेंटिंग्स बिल्कुल रियल लगते हैं। इस मूवी ने इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स भी जीता था, और इसे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। नंबर 8, जीरो। एक ट्रू सिनेमा लवर ये जानता है कि जीरो अपने आप में काफ़ी अच्छी फिल्म थी, और इसमें इतनी कैपेबिलिटी तो थी कि वो सुपरहिट हो पाए। जीरो में जो भी विजुअल इफेक्ट्स यूज हुए थे उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को रियल दिखाने के लिए हुए थे। And it became smaller, this part used to get exposed and they had no information. Character जो कि एक बौना होता है, उसकी height को कम करने के लिए या उसके face को छोटा करने के लिए VFX का use किया गया था। इसके अलावा film में एक scene है जहां शाहरुख एक सीढ़ी से उतरते हुए space shuttle के साथ जुड़ते हैं। इस scene को बनाने के लिए भी visual effects इस्तेमाल किए गए थे। शिवाय। शिवाय भी बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जो सक्सेस होना डिजर्व करती थी। इस मूवी में ज़्यादातर चेजिंग सीन्स और एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा मूवी में बर्फीले पहाड़ों वाले सीन भी दिखाए गए थे, और इन सभी में VFX का यूज हुआ था। मूवी में VFX के लिए 4500 शॉट्स लिए गए थे। वो बता दें कि ये सब सिर्फ 100 करोड़ के बजट में हुआ था। जी हाँ, इस मूवी का बजट अप्रोक्स 100 करोड़ था। इस मूवी ने 2017 में बेस्ट VFX के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। नंबर 6, पद्मावत। पद्मावत बॉलीवुड की बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है। एज वी ऑल नो कि एक हिस्टोरिकल मूवी थी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी के हर दूसरे सीन में VFX का यूज़ हुआ होगा। मूवी में राजपूतों के फेमस लोकेशंस लाइक चित्तौड़गढ़, जयपुर, अमेर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे लोकेशंस को बनाने के लिए VFX का यूज़ किया गया था। मूवी में आईना महल से लेकर वॉर के सीन बनाने के लिए भी VFX का यूज़ किया गया था। इसके अलावा मूवी रिलीज से पहले घूमर सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी कि इस सॉन्ग में दीपिका ने अपनी कमर फ्लॉन्ट की है, जिसके बाद दीपिका की कमर को भी VFX के जरिए कवर किया गया था। अस्त्र। अब ब्रह्मास्त्र को नंबर 5 पर देखने के बाद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। आई नो कि ब्रह्मास्त्र में जो VFX यूज़ हुए थे वैसे VFX हमें इंडिया की किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिले थे, एंड दैट्स वाई मैंने इस मूवी को नंबर 5 पर रखा है। बट मूवी देखते टाइम हमें ये फील भी होता है कि हम जो देख रहे हैं वो रियल नहीं बल्कि विजुअल इफेक्ट्स हैं, और कई सीन्स में VFX इरिटेटिंग भी लगते हैं। मूवी के कई सीन्स में VFX इतने अच्छे हैं कि उसे देखकर बहुत अच्छा फील होता है, जैसे कि ये वानर अस्त्र वाला सीन। तो इस मूवी के VFX को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रेस्पॉन्स मिले थे, एंड दैट्स वाई मैंने इस मूवी को नंबर 5 पर रखा है। 4, क्रिश। क्रिश इंडियन सिनेमा की एक रिमार्केबल फिल्म है, क्योंकि आज भी इंडिया में सुपर हीरो वाली मूवीज बहुत कम बनती है, लेकिन क्रिश इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक मानी जाती है। इस मूवी के अब तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और इसका हर पार्ट काफ़ी अच्छा है। एक अच्छे स्टोरी लाइन के साथ हमें मूवी में बेस्ट VFX देखने को मिले थे।
आई नो कि क्रिश 3 के कुछ सीन्स में VFX एक्सपोजिंग लगे हैं, बट इट्स ओके। अगर आपको इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यानी कोई मिल गया याद हो तो आपको बता दे कि उस मूवी में जो स्पेसशिप हमने देखा था वो भी VFX से बनाया गया था। एंड आफ्टर डैट क्रिश 3 में बहुत हाई लेवल के VFX देखने को मिले थे, वो भी सिर्फ 96 करोड़ के बजट में। एंड लेट यू नो कि इस मूवी का पार्ट 4 भी आने वाला है, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नंबर 3, RRR। RRR को इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक माना जाता है। ये एक हिस्टोरिकल मूवी है तो जाहिर है कि इसमें भी बहुत ज्यादा VFX का यूज हुआ होगा। इस मूवी के VFX को हैदराबाद के मकुटा VFX ने डिजाइन किया था। VFX को और अच्छा बनाने के लिए रोटोस्कोपिंग, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, मोशन कैप्चर और डिजिटल कंपोजिटिंग का यूज किया गया था। और मूवी देखते टाइम हमें ये पता भी नहीं चलता कि कहाँ VFX का यूज हुआ है। इस मूवी का बजट अप्रोक्स 600 करोड़ था एंड अकॉर्डिंग टू बजट मूवी बहुत अच्छी है। नंबर 2, बाहुबली। यहाँ हम बाहुबली की दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं। बाहुबली मूवी पूरी तरह से एक हिस्टोरिकल मूवी है जिसके हर सीन में VFX का यूज हुआ था, चाहे वो वाटरफॉल वाला सीन हो, बुल फाइटिंग, वॉर सीक्वेंसेस, एवरीथिंग। लेकिन फिल्म देखते टाइम आपको एक सेकंड के लिए भी कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं लगता है। इस फिल्म में VFX के लिए बहुत बड़ी टीम ने काम किया था, जिसमें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट्स भी शामिल थे। आपको बता दें कि मूवी के फर्स्ट पार्ट का बजट 180 करोड़ था, जिसमें 85 करोड़ केवल VFX में यूज हुए थे और सिर्फ 85 करोड़ के बजट में ही हमें इतने अच्छे VFX देखने को मिले थे। नंबर 1, रोबोट। यहाँ भी हम इस मूवी के दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले, इस मूवी का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत नया है। इंडिया में टोटली 2 या 3 फिल्में ही इस कैटेगरी में बनी होंगी और रोबोट उनमें से सबसे बेस्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्लाइमेक्स में बहुत अच्छे VFX देखने को मिले थे, लेकिन इसके सेकेंड पार्ट में हमने हर सीन में VFX को एक्सपीरियंस किया था। और फिल्म में मेरा फेवरेट ईगल फाइटिंग वाला सीन है। फिल्म में एक रोबोट और उसके डिफरेंट स्किल्स को दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए गए थे। इस मूवी के VFX हर क्राइटेरिया में बहुत अच्छे थे एंड दैट्स व्हाई मैंने इस मूवी को नंबर 1 पर रखा है। तो ये थी मेरी फेवरेट 10 इंडियन मूवीज जिसमें बेस्ट VFX थे। इनमें से किस मूवी के VFX आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा वीडियो सजेशन हो तो वो भी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।